नमस्कार, चलिए जान लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। आपको बता दें, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने हमलावरों की कार बरामद कर ली है। चार संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एक दिन पहले यानी कि 28 जून को ही सहारनपुर के देवबंद पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर फायरिंग की गई थी। इस जानलेवा हमले में चंद्रशेखर घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए देवबंद के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चंद्रशेखर अपनी फॉर्च्यूनर कार से देवबंद दौरे पर पहुंचे हुए थे, तभी अचानक उनकी गाड़ी पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी थी। गोली उन्हें छूकर निकल गई थी, जिससे वह घायल हो गए थे। उनकी कार पर भी गोलियों के निशान देखे गए हैं। हमलावर हरियाणा नंबर की कार में आए हुए थे। आपको बता दें, गोली चंद्रशेखर के पीठ को छूकर निकली थी, हालांकि उनकी हालत खतरे से बाहर है। फायरिंग में उनकी कार के शीशे भी टूट गए थे। हमलावरों की पहचान करने के लिए पुलिस लगातार आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे फुटेज खंगाल रही थी।